नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करेंगे इस क्लास में ग्रामीण विकास की प्रासंगिकता के बारे में। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर अभी चर्चा में क्यों है, इसकी एक पृष्ठभूमि भी देख लेंगे। ग्राम की या गांव की अवधारणा की गिरावट के क्या कारण हैं उन्हें भी देखेंगे। सुधार के स्थान क्या है उन्हें भी, जो आपकी सरकार द्वारा उपाय किए गए उन्हें भी, और गांव की प्रासंगिकता क्या है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, वैसे तो पता होगा ही, कोरोना महामारी संकट का प्रकोप दिखाता है। गांव को अपने विशिष्ट भविष्य के साथ निवास के रूप में विकसित होने का अधिकार है। जब से कोरोना आया आपका, तब से डर के प्रकोप में ही तो जी रहे हो। पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक रूप से आत्मनिर्भर ग्राम का सिद्धांत ही भारत के सोने की चिड़िया कहलाने का मुख्य कारण था, परंतु समय के साथ साथ उपनिवेशिकता की परिपाटी उन आत्मनिर्भर ग्राम के सिद्धांतों का को समाप्त करती गई। कालांतर में निरंतर कृषिगत लाभ की घटने, शहरी की चकाचौंध, आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता, आधुनिक सुख सुविधाओं की कमी ने गांव को भारतीय आवास के केंद्र से हटाकर पदवी पर लेके चले गए। परंतु हाल हाल में आई कोरोना महामारी में लोग पुनः गांव की ओर अग्रसर हुए, जिसने गांव की प्रासंगिकता को बढ़ा दिया। बात करते हैं ग्रामीण की अवधारणा में गिरावट के कारण, मूलभूत सुविधाओं का अभाव। एक तर्क के अनुसार ग्रामीण लोगों को पानी, बिजली, रोजगार जैसे बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना आसान हो जाता है अगर वे किसी शहर में चले जाएं। इस तरह की सोच को एकेडमिक समर्थन हासिल है। एक इस तथ्यात्मक तर्क के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में प्रवास को प्रोत्साहित किया गया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ग्रामीण से लोग शहरों की तरफ क्यों जाते हैं, दो तीन ही कारणों से। एक रोजगार, दूसरा शिक्षा, तीसरा स्वास्थ्य सुविधाओं से। अगर ये सभी आपके ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध करा दी जाए तो गांव से जो पलायन होता है वो बिल्कुल तरह से रुक जाएगा, बिल्कुल ठीक है, और वो वहीं अपना जीवन यापन करने लगेंगे। लेकिन ये आसान नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि दो से तीन लोग अगर ईमानदारी से काम कर दें तो हमारा देश कहीं भी पहुंच सकता है। एक सबसे छोटे निचले का शासन यानी कि आपकी पंचायत, सरपंच, दूसरा सचिव, तीसरा जो आपका प्रशासन है वो छोटे स्तर पर। आपने देखा होगा, मैंने खुद अभी एक साइट पर खोल के देखा है, एक दो लोगों के मुंह से भी सुना है, जो आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना आई हुई थी उसमें से 10% गरीब से सरपंच और सेक्रेटरी ने ले लिए, 10 से 15%। किस लिए, किस कारण? इसलिए क्योंकि उसने आवास निकलवाया, इसी के चक्कर में उसने रिश्वत के रूप में आपका 10 से 15% और कहीं कहीं 20 से 25% ले लिए। दूसरा, अभी एक साइट देख रहा था, उसमें किसी से पंचायत ने आपके 10 लाख रुपए स्कूल की सुविधाओं को सुधरवाने के लिए, स्कूल की मरम्मत के लिए मंगाए पंचायत ने, वो रुपए उसके आ भी गए उसके यहाँ उसकी पंचायत में, लेकिन उनमें से 10% भी खर्च नहीं किया गया। यानी कि 90 से 95% आपके सरपंच साहब यानी कि प्रधान साहब और उनके सचिव साहब डकार गए। कहाँ विकास हो पाएगा? सबसे कोरोना को सफल कोरोना को हराया जा सकता था, हम सफल हो सकते थे। अब आप सोचिए कि जो भी केंद्र सरकार या आपकी राज्य सरकार की सुविधाएं आ रही हैं, ये अगर आप उनके किसी भी गरीब के खाते में डायरेक्ट 500 1000 रुपये भेजते हैं, तो उस पैसे को निकलवाने के लिए उसे 6 से 6 से 7 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है बैंक में।
सबसे पहला तो आपका सोशल डिस्टेंसिंग का जो भी नियम है वो फेल हो जाता है पूरी तरह से, क्योंकि जहाँ 500 से 1000 लोग लाइन में लगे होंगे वहाँ कहाँ फॉलो कर पाएंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग। तो एक दूसरा कारण, अगर सरपंच और सचिव ईमानदारी से दिखाते हैं, लेकिन वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनके खून में इतनी ईमानदारी भरी गई है कि वो कभी ईमानदारी पर चल ही नहीं सकते हैं। अगर डायरेक्ट जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं थी वो डायरेक्ट जो राज्य सरकार से जो मदद मिल रही थी गरीबों को, अगर सरपंच और सचिव ईमानदारी से अगर उनके घर जाकर वितरण करवा देते, जैसे 500 रुपये आए हुए हैं या 1000 रुपये, तो डायरेक्ट उनके घर तक पहुंचा देते तो इसे सफल बनाया जा सकता था। लेकिन क्या होता, हमारे जो भी आपके प्रधान हैं या सचिव इतने महान हैं कि उस 500 में से भी 200 से 250 रुपये डकार जाते, इतनी ईमानदारी से काम करते हैं। चलिए राम भरोसे हैं और राम ही करेगा निपटारा, आप जो भी करेगा। ग्राम ग्राम की अवधारणा में गिरावट का दूसरा कारण है आपका आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण सामाजिक सिद्धांत का एक प्रमुख प्रतिमान है, जिसमें मेगा शहरों में विशाल झुग्गियों के विकास और गांव में कामकाजी उम्र के लोगों की कमी में समानुपात देखा गया। रोजगार का अभाव, कुछ सामाजिक वैज्ञानिकों ने यह घोषणा करने में कोई आपत्ति नहीं की। जिस गांव को हम भारतीय इतिहास में जानते हैं वह विलुप्त होने के रास्ते पर था। उन्होंने तर्क दिया कि कृषि ग्रामीण इलाकों में आजीविका का मुख्य संसाधन युवा को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त लाभदायक नहीं था। कारीगर और महिलाएं राज्य के समर्थन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। केवल समर्थन ने बाजार उन्मुख आर्थिक सुधारों की शक्तिशाली लहर इन कारीगरों पर को संरक्षित किया है। नीतियों में भेदभाव, यह कुछ स्वाभाविक था जो हमारे जैसे देशों में आर्थिक विकास के दौरान होता है। इस सामान्य ढांचे ने स्वास्थ्य और शिक्षा सहित हर क्षेत्र में भेदभावपूर्ण वित्त पोषण का कुचित ठहराया है। गांव में कोई विशेष सार्वजनिक निवेश नहीं किया जा सका, यहाँ तक कि चिकित्सा और शिक्षा और शैक्षणिक प्रशिक्षण का तेजी से निरीक्षण हो गया है, तेजी से निजीकरण हो गया। गांव में काम करने की इच्छुक योग्य डॉक्टर और शिक्षकों की उपलब्धता घट गई, जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को कुछ भयभीत करता है। पर्याप्त प्रवास, स्वास्थ्य सुविधाओं, स्कूली शिक्षा में व्यवसाय लक्ष्यों को बढ़ावा देने वाले एक लोकाचार का निर्माण करते हुए निजी तौर पर चलने वाली सुविधाएं दफन हो गई हैं। राज्य की अति सूक्ष्म वाद और व्यवसायिक उद्यमिता के बीच फंसकर गांव ने अपनी अर्थव्यवस्था या बौद्धिक संसाधनों को फिर से हासिल करने के लिए क्या क्षमता खो दी है। ऐसी तरक है वो उसके उनके बिना या उनके द्वारा दिए गए आंकड़ों उन नीतियों के लिए एक सुविधाजनक तर्क प्रदान करते हैं जिन्होंने ग्रामीण आबादी के एक बड़े हिस्से को शहरों में प्रवास के लिए प्रोत्साहित किया है। पर्याप्त के सुधार के लिए स्थान क्या है, प्राथमिक क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना और कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार करना चाहिए। अक्सर हमारे देशों में कि ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के खराब साथ खराब कनेक्टिविटी के कारण रोजगार उन्मुख नहीं होते। आखिरकार यह अलगाव और शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के बीच एक सामाजिक विभाजन का कारण बनता है। संक्षेप में, ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में भारी सुधार होना चाहिए। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी जाति व्यवस्था जैसे कलंक अभी भी ग्रामीण लोगों पर एक पकड़ है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ऐसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। ग्रामीण भारत में घटती साक्षरता दर विशेषकर महिलाओं के लिए चिंता का प्रमुख विषय है। भूमि और तकनीकी सुधारों की आवश्यकता है। आउटपुट और मुनाफे में सुधार के लिए जैविक खेती जैसे आधुनिक तकनीकों को शामिल किया जाना चाहिए। अंत में, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग प्रणाली में सुधार करके लोगों को आसान ऋण तक पहुंच दी जानी चाहिए।
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, ऋण उपलब्धता, साक्षरता, गरीबी उन्मूलन आदि क्षेत्रों में भारी बदलाव की आवश्यकता है। ग्रामीण विकास के उद्देश्य पहले से ही मौजूद योजनाओं को एक नए दृष्टिकोण उचित अद्यतन की आवश्यकता होती है। इसके अनुसार सरकार को ग्रामीण भारत के उद्यान के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। आपको पता है अभी एमपी में शिवपुरी के पास कोई पंचायत है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ की एक महिला को यूएन ने अवार्ड दिया, पता है उसके काम के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हाँ इतना है कि 90 से 95% अपना भरण पोषण कर रहे हैं जनता को छोड़कर, लेकिन उस महिला की यूएन समझ रहा है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। तो याद रखिए, अगर हम जो भी आज कर रहे हैं वो कल इतिहास बनेगा। अब याद रखिए, आने वाली हमारी पीढ़ियां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आज वो ऐसा काम कर रहे हैं तो कल वो इतिहास में लिखा जाएगा, ठीक है। और जो आपके सरपंच हो, सेक्रेटरी हो, फिर कोई और भ्रष्टाचारी हो, कितना भी बड़ा ईमानदार, उन्हें ईमानदार ही कह सकते हैं, तो उनका किसी किताब की छुड़ी या कॉपी भी नाम नहीं लिखा जाएगा, क्या उखाड़ लेंगे, किसी का हक्का मत खाइए। चलिए आगे देखते हैं सरकार द्वारा किए गए उपाय। नीतिगत स्तर पर सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन किया गया, साथ ही ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। आपकी जो ग्राम पंचायत था, इसका गठन करने का मेन उद्देश्य यही था कि जैसे आपका एमपी हो, चाहे फिर वो एमएलए हो, डायरेक्ट हर इंसान तक नहीं पहुंच सकता है, उसकी भी कुछ लिमिटेशन होती है। तो सरपंच, उनकी मजबूरी या जो भी समस्याएं हैं हर व्यक्ति की, उनकी ले और वहाँ से एमएलए, फिर आप आपका जो वीडियो होता है तहसील लेवल पर, तहसीलदार होता है, उस तक पहुँचाए। यही काम था ग्राम पंचायतों का, उनके सरपंचों का, इसीलिए ग्राम पंचायत आपकी गठन की गई थी, और कोई भी उद्देश्य नहीं था इसका, ठीक है, कि मतलब नीचे तक हर सुविधा पहुंचे। सरकार के द्वारा किए गए दूसरे उपाय है रोजगार हेतु। रोजगार हेतु सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना लागू की गई, जो ग्रामीण श्रमिकों को निश्चित रोजगार प्रदान करती है। इसके साथ में नेशनल रूरल लेवलीहुड मिशन भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब आपने सुना होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के बारे में। ये इसलिए लागू की गई थी कि जो भी आपके यहाँ बेरोजगार हैं, इन्हें 15-20 दिन में ये रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इसमें क्या घर से थोड़ी देना है सरपंच को या तुम्हारे सचिव को, सरकार इसके लिए फंड रिलीज करती है। हर बार आपने बजट देखा होगा, केंद्र सरकार डायरेक्ट इसके लिए पैसा देती है, बस आपको योजना को लागू करना है। बस इसमें एक कमी है, क्योंकि इसमें खाने का कोई जरिया नहीं है, इसलिए लोग कम लागू करते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जो भी पैसा आता है, जो भी काम करता है उसके खाते में आता है, इसलिए इसमें कहीं घोल करने का या कुछ भी लेने देने का काम नहीं है, इसलिए लोग कम भी लागू करते हैं। कृषि में सुधार, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसे पहल कृषि में सुधार हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो ग्रामीण विकास को बढ़ाते हैं। बुनियादी सुविधा विकास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा ग्रामीण जुड़ाव को बढ़ाने, सौभाग्य कुसुम जैसी योजनाओं द्वारा ग्रामीण ऊर्जा आपूर्ति, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के द्वारा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रयास कर रही है। बैंकिंग क्षेत्र, प्रधानमंत्री जनधन योजनाएं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने ग्रामीण जीवन में स्तर में बढ़ाने में उचित भूमिका निभाई है।
बात करते हैं ग्रामों की प्रासंगिकता के बारे में। अभी भी स्वच्छ प्रकृति, सामाजिक सद्भाव, कम व्यय क्षमता के कारण गाँव की प्रासंगिकता महत्वपूर्ण है। यदि सरकार द्वारा बेसिक सुविधाओं की पूर्ति की जाए तो ग्राम सभाएं आज शहरों की अपेक्षा अधिक प्रासंगिक होंगे। चलिए, तो ये था आपका ग्रामीण विकास से संबंधित आर्टिकल। अपना भी व्यू दीजिए, आप क्या सोचते हैं अपने प्रधान के बारे में, सरपंच साहब के बारे में। वो सबसे बड़ी कमी पता है जनता की भी है इसमें, या पढ़े लिखे जो भी गांव के लोग हैं उनकी गलती है। आपके हाथ में इतना तगड़ा हथियार दे दिया गया था, आरटीआई, सूचना अधिकार, सूचना का अधिकार जो भी है, आपका पूछने का हक तो बनता है ना कि कितना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है। इसमें कौन सा तुम्हें लड़ाई लड़नी है सरपंच से? तुम लिखिए, एक पत्र लिखिए, पोस्ट ऑफिस में डालिए, वो आपके जिला कलेक्टर के पास जाएगा, वो उपलब्ध कराएगा आपको। आपको सरपंच ना सचिव से मतलब ही नहीं है। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि क्या आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, लेकिन नहीं करेंगे, जो चल रहा है चलने दीजिए। यही कारण है कि आप भी चल रहे हैं, चल ही रहे हैं। चलिए, ठीक है।